हेलो गाइस, आज हम एमएस वर्ड के फॉर्मेट मेन्यू में कंटिन्यू पार्ट 11 पढ़ने जा रहे हैं पैराग्राफ से। अब देखिएगा पैराग्राफ क्या होता है। मैं यहाँ पे कुछ अलग अलग पैराग्राफ टाइप करूँगा। पहले तो आप ही देखिएगा, मैं कुछ अलग अलग पैराग्राफ टाइप करता हूँ। इस तरह से आपको अलग अलग पैराग्राफ टाइप करना, कुछ भी कंटेंट टाइप कर लीजिए, जो आपका मन करे वो कर लीजिएगा। ठीक, कम से कम 3 पैराग्राफ तो आपको टाइप करनी ही है, तभी तो हम इसके अंदर पैराग्राफ को कुछ इंडेंट कर पाएंगे। देखिएगा मैंने क्या करा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके जैसे मैंने पैराग्राफ पे क्लिक किया, सबसे पहले चीज़ है इसके अंदर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या होता है कि मान लो मुझे पैराग्राफ को कहाँ करना है, सेंटर में करना है। देखिएगा बिल्कुल यहाँ सेंटर में, प्रीव्यू में देखिएगा सेंटर में आ चुका है। इसको उसका आर्टिकल देखने के लिए आप ओके कर सकते हैं। देखिएगा सेंटर में आ चुका है। फिर यहाँ पैराग्राफ पे क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, आप इसको यहाँ से मैंने राइट में करना है, तो आप देखिएगा राइट में आ चुका है, राइट साइड वाली कूल साइड। जस्टिफाई क्या होता है, अगर देखिएगा आप इसको यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट करते हैं, तो लेफ्ट से क्या होगा कि देखिएगा लेफ्ट साइड इक्वल है लेकिन राइट साइड नहीं इक्वल मिलेगी। देखिएगा जरा, अगर मैं कहना चाहता हूँ लेफ्ट भी इक्वल है राइट भी इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जस्टिफाई कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगा, जस्टिफाई भी। आपको कुछ करने की जरूरत, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करते रहेगा। ये देखिएगा कि अधिकतर जो बुक्स प्रिंटिंग होती है वो हमारी जस्टिफाई अलाइनमेंट में होती है। आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है हाउ मेनी टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स इन द फॉर्मेट्स में इन द पैराग्राफ, अलाइनमेंट इज ऑफ 4 टाइप, फर्स्ट इज लेफ्ट एंड सेंटर एंड राइट एंड जस्टिफाई, तो हम इसको शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ मैं ई प्रेस करता हूँ तो ये सेंटर होता है, कंट्रोल के एल से करता हूँ लेफ्ट होता है, कंट्रोल से राइट करता हूँ सेंटर होता है, और कंट्रोल जैसे करता हूँ तो इसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं अलाइनमेंट को चेंज कर सकता हूँ, और अलाइनमेंट के अंदर हम पैराग्राफ को भी इंडेंट कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा पैराग्राफ आपका लेफ्ट में है तो मैं लेफ्ट से मैं कहना चाहता हूँ ये 0.5, ये 0.7, 0.8 इतना आगे हो जाए। देखिएगा ये इंडेंट हो चुका है 0.8। देखिएगा अगर मैं कहना चाहता हूँ ये यहाँ पे 0.5 कर दे तो मैं 0.5 कर सकता हूँ। देखिएगा अगर मान लो अगर आप राइट से करना चाहते हो तो पहले पैराग्राफ आप कहाँ लेके जाएंगे, राइट में, तो फिर राइट से अलाइनमेंट होता रहेगा, इंडेंट होता रहेगा। सॉरी, बिफोर पैराग्राफ से पहले आपको कितना स्पेस देना है, देखिए पहला पैराग्राफ छोड़ के बाद के सभी में स्पेस दे देगा। इसके बाद क्या होता है, मैं कहना चाहता हूँ बाद में स्पेस दो, पहला पैराग्राफ रहे आफ्टर, देखिएगा बाद में पहला ये छोड़ देगा स्पेस, देखिएगा ऊपर दिखा रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, इसके बाद में आपका यहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट लाइन में हर पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन का कितना स्पेस, देखिएगा हर जो पैराग्राफ की लाइन जो होगी वो देखिएगा यहाँ पे ही आगे हो चुका है, आ चुका है, लेकिन इससे पहले की लाइन बात की या इसके बाद की जो लाइन वहीं उसी पोजिशन पे है। मैं कहना चाहता हूँ हर पैराग्राफ के बीच में लाइनों के बीच में स्पेस देता रहे, देखिएगा यहाँ पे ये रहा इसमें लाइनों, देखिएगा लाइनों के बीच में स्पेस आ चुका है। इस तरह से हम पैराग्राफ कमांड को यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आप हम कमांड पढ़ेंगे इसके अंदर पढ़ेंगे ब्लड्स एंड नंबर। ये होता क्या है, देखिएगा ब्लड्स एंड नंबर, ये हम इसको बस इसके बाद कंट्रोल ए और फॉर्मेट मेन्यू में जाके आप कहाँ क्लिक करेंगे, ब्लड सेंस नंबर पर क्लिक करेंगे, आपको किस तरह का ब्लड चाहिए उस ब्लड पे क्लिक करके आप उसको ओके कर देंगे, तो देखिएगा उस तरह के ब्लड स्टाइल। मैं इसको कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, कस्टमाइज का मतलब मैं इसको कुछ मॉडिफाई कर सकता हूँ। देखिएगा यहाँ पे कस्टमाइज आ रहा है आपको। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कलर लेना है तो कलर यहाँ से आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कलर ले लिया कौन सा रेड कर दिया। इसको किस टाइप चाहिए, मुझे बोल्ड चाहिए, और ओके कर दीजिए, और फिर ओके कर दीजिए, देखिएगा कस्टमाइज हो चुका है। इसके बाद इसमें और भी है यहाँ पे, इसके अंदर हम कर सकते हैं, ये एक जोन से भी आपको लेना हो ले कर सकते हो। कस्टमाइज में जाके और भी है फॉन्ट, आपको क्या करना है ये तो कर बता ही दिया मैंने आपको। कैरेक्टर, आपको क्या इसकी जगह कुछ और सिंपल लगाना है, आपको मुझे ये वाला लगाना है स्टार, ओके ओके, देखिएगा वो लग चुका है। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर हम कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज करके आप खुद कर सकते हैं। पिक्चर भी ले सकते हैं, जो स्क्रीन बिल्ड पिक्चर होती है, देखिएगा मैं इसके अंदर बिल्ड पिक्चर है, इसके अंदर मैं कुछ पिक्चर्स लगा देता हूँ, जैसे यहाँ मैंने ग्रीन ये कलर का पिक्चर लगा दिया, तो देखो ग्रीन पिक्चर सेट हो चुका है। वो तो जैसा आप एज अ लाइक जब आप करते हो आप वो कुछ भी ले सकते हैं। मान लो अगर मुझे नंबर लगाना है तो आप नंबर लगा सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, ये देखिएगा नंबर लग चुका है 1, 2, 3, 4। यदि मुझे पैराथेंसिस वगैरह इस नंबर चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटलाइन जैसे मैंने कौन से किस टाइप का कर दिए, तो देखिए ये इस तरह से सेम वही है, उसी तरह से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप उसको चेंज करके ले सकते हैं। देखिएगा जैसे ये लगाना है तो यहाँ से क्या कर देंगे, ओके, कुछ नहीं हो रहा इफेक्ट, जो आप यानी कि रिसेंटली जो यूज करते हैं वो उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं रिसेंटली। लिस स्टाइल, यहाँ पे आपको किस तरह का स्टाइल चाहिए, आर्टिकल सेक्शंस में चाहिए, कौन सा चाहिए, यहाँ पे आप ले सकते हैं जैसे ये, ओके, तो देखिएगा आर्टिकल इस स्टाइल आ सकता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट आर्टिकल होते हैं ना बुक्स वगैरह में, आर्टिकल्स वगैरह हम यूज करते हैं।
इसे उसी पोजीशंस में लाने के लिए मैंने आपको बताया एडिट में जाके क्लियर आप यहाँ से फॉर्मेट्स कर दें तो उसी पोजीशंस में ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग क्या होता है, एक तरीके से इसके अंदर बॉर्डर लगाने के लिए जैसे आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमने क्या इसके अंदर ये बॉर्डर ले लिया, ये बॉर्डर आ चुका है। इसके बाद ये इसके अंदर कलर होता है कि आपको कौन सा कलर, जैसे मैंने रेड कलर ले लिया, और ये इसका बॉर्डर का साइज हो गया आपको कितना इसका साइज लेना, जैसे मैं ले लिया ये वाला साइज ले लिया। ये तो था एक तरह से मैटर का बॉर्डर। अब क्या करना चाह रहे हैं, मैं हर लाइन के बीच में बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, देखो यहीं पे आ जाएगा और यहीं से हट जाएगा ये, ठीक है इस तरह से, और ओके कर दीजिएगा। देखो इस तरह से ही आ जाएगा। यदि बीच में से हटाना चाहते हैं तो आप इसके लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो और ओके कर दीजिएगा तो यहाँ से देखिएगा बॉर्डर हट जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है आपका हमारा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ से पेज बॉर्डर, ये होता पेज के लिए। ये तो पेज के अंदर आप यहाँ से वर्ड एडिट स्टाइल इंस्टॉल कर लेते हैं, वेट कीजिएगा थोड़ा सा, इंस्टॉलिंग हो रही है अभी, इंस्टॉल कर रहे हैं, इसमें है नहीं अभी, ये कह रहा है कि प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, प्लीज वेट। देखिएगा देखिएगा इंस्टॉल होने के बाद में इस तरह से हमारे यहाँ पे बुलेट्स, सॉरी ये बॉर्डर आ जाएगा। किस तरह का आपको ले रहा है, जैसे मैं इसके अंदर किस तरह का पेज के अंदर बॉर्डर लेना चाहता हूँ ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैं ये ले लेता हूँ। इसके बाद शेडिंग में पीछे जो शेड लेनी हो किस तरह की लेनी, मुझे लेनी ग्रीन, और उसका स्टाइल क्या रखना है, मुझे 10% क्या रखना है, उसका पैटर्न रखना है, और उस पैटर्न के अंदर मुझे क्या रखना है, इसके अंदर इतना पिंक कलर रख दिया और यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह का आपका प्रिंट सेट हो जाएगा। ये हमारे इस तरह से इसके अंदर पैटर्न हमने एक तरह से सेट कर दिया। तो अगर हमें कुछ फॉर्मेट वगैरह से अच्छा बनाना हो तो आप उसको फॉर्मेट से काफ़ी अच्छे से फॉर्मेट उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर पढ़ेंगे कॉलम। देखिएगा कॉलम किस लिए यूज करते हैं, कॉलम को यूज करने का तरीका क्या है। देखिएगा जैसे मैंने कुछ कंटेंट टाइप किया, ज़्यादा से कुछ मैटर तैयार कर लेंगे आप इसके अंदर, तो ज़्यादा से मैटर कर लेते हैं यहाँ पे कंप्लीट। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम इसको। देखो अखबार तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, अखबार तो देखा ही होगा कैसा होता है अखबार, अखबार में अच्छा मैटर किस रूप में होता है बताइए जरा। अखबार में जो मैटर होता है वो कॉलम के रूप में होता है। तो इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाके सेलेक्ट करके फॉर्मेट मेन्यू में जाके आप कॉलम्स पर क्लिक करेंगे। आप इसमें कितने कॉलम बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे तीन है तो मैं तीन के यहाँ पे 6 कॉलम भी बना सकता हूँ, और ओके कर दीजिए तो क्या होगा, 6 कॉलम बन जाएंगे। तो 6 तो ज़्यादा सही नहीं दिख रहा, तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ कितने कॉलम है, 4। तो देखो 4 ठीक ठाक कॉलम दिखाई दे रहे हैं। अब इन कॉलम्स के अंदर कुछ सेटिंग्स होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा एक कॉलम की हमें कितनी चौड़ाई रखनी है, यहाँ पे चौड़ाई सेट कर सकते हैं, और इनके बीच में कितना स्पेस रखना है, और लाइन लगाने बीच में तो आप लाइन पे कर सकते हैं, और ओके कर दीजिएगा। देखिएगा बीच में लाइन आ चुकी है। यदि आप उसी कॉलम में लाना चाहते हैं जिसमें था बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट जो होता है 1 कॉलम होता है, इसको ओके कर दीजिए तो ये 1 कॉलम में मैटर आ जाएगा। पहले इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइन को रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले मैटर को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें वही कॉलम्स में जाके आप लाइन हटाइएगा और इसको यहाँ से 1 कॉलम कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो ये कह रहा कि 1 to 45, तो यानी कि विड्थ इसको सेट कम कर देता हूँ मैं। ये कह रहा है द नंबर बिटवीन 2 1 to 5 के बीच में नंबर दे सकते हैं। क्या हो गया, चलो हटा, ठीक है मैं दोबारा से करता हूँ उस मैटर को। ये क्या फॉर्मेट मेन्यू में गई, जैसे यहाँ से कॉलम्स, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 3, ओके देखिएगा 3 तीन कॉलम यहाँ मैटर को प्रविष्ट। देखिएगा अगर इसको मुझे 1 कॉलम करना है तो कॉलम्स में जाके आप इसको 1 कॉलम, और यहाँ से क्या कर देंगे ओके, देखिएगा 1 कॉलम में ही कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ेंगे, इसके अंदर कॉलम्स हो चुका है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टैब्स। देखिएगा टैब्स क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पे M टाइप करा, अब मैं M को आगे ले जाना चाहता हूँ, टैब की दबाइए, तो उससे क्या होगा, ये आधा आधा इंच आगे जा रहा है। लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, अगर मान लो मुझे डायरेक्ट जो ज़्यादा जंप करना है तो मुझे करना है 3.5, तो फॉर्मेट मेन्यू में जाके आप इसको यहाँ से क्या कर देंगे, ड्रॉप कैप, सॉरी यहाँ से टैप्स करेंगे, टैप्स करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टैप्स के बाद आपको कितना इंसर्ट करना है, मुझे करना है 4, यहाँ से क्या कर देंगे सेट के बाद यहाँ से क्या कर देंगे ओके। तो अब देखिए टैप की दबाइएगा तो सीधा वहीं पर जाके जंप हो जाएगा। अगर हम इसको पीछे ले जाना चाहें तो शिफ्ट के साथ टैब लगा दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट टैब, अगर वहीं नहीं जा रहा तो कंट्रोल जेड कर दीजिएगा, देखिए वहीं आपका जंप हो जाएगा। तो ये कहाँ से सेट कर सकते हैं, टैब्स में जाके जितने इंच पे इंडेंट करना हो वो नंबर टाइप करके सेट, इसके बाद ओके कर देंगे तो देखिएगा टैब तो सीधा वहीं पर ही जंप करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप होता क्या है,
अखबार में कई बार आपने कुछ कंटेंट देखा होगा कि पहला लेटर बड़ा होता है, तो पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके फॉर्मेट मेन्यू में जाके आप ड्रॉप कैप पर क्लिक करेंगे। देखिएगा मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप। इसने क्या करा, ये फॉन्ट है और ये लाइन टू ड्रॉप, यानी कि इतने लाइन के इक्वल इसका लार्ज साइज हो जाएगा। देखिएगा यानी कि तीन लाइन के इक्वल साइज हो चुका है इसका। अगर मैं इसको जाके यहाँ पे ड्रॉप कैम में कुछ चेंज करना चाहूँ, मैं कहना चाहता हूँ डिस्टेंस, डिस्टेंस जीरो है, मैंने कह दिया यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाए आधा इंच, तो देखा आधा इंच हो चुका। अभी देखिएगा जो मैटर है, ये लाइन तो आगे होगी, ये लाइन थोड़ा पीछे हो गया, तो मैं कहना चाहता हूँ ये इक्वल हो जाए। तो इसके लिए करते हैं इन मार्जिन, तो वो इन मार्जिन जो कहाँ से करेंगे आप यहाँ से कर दें, ऐसे कर सकते हैं। ये देखिएगा इन मार्जिन सेट हो चुका है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन होता क्या है कि मैटर को बॉक्स के अंदर घुमाने के लिए। देखिएगा अब मैं अगर क्लिक करूँ तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन कमांड नहीं चलेगा क्योंकि आपका मैटर बॉक्स के अंदर नहीं है। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, इस मैटर को सिलेक्ट करके बॉक्स के अंदर लेते आता हूँ। तो यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, देखिएगा लास्ट में मिल गया। यहाँ पे क्लिक करके देखिएगा ये बॉक्स में आ चुका है। तो अब इसको मैं अगर डायरेक्शन में घुमाना है, तो डायरेक्शन में घुमाने के लिए आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन, जैसे मैंने इस डायरेक्शन में घुमा दिया, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके। अगर अगली डायरेक्शंस लेनी तो आप इसको और डायरेक्शंस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये वाले डायरेक्शन ले लिया, जो भी आपको डायरेक्शंस बन करे उस डायरेक्शन में आप इसको ओरिएंटेशंस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ओरिएंटेशन बोल सकते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इज ओरिएंटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है चेंज केस, ये क्या है ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने एक सेंटेंस टाइप किया, कुछ मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ये कंटेंट, देखिएगा सबसे पहला जो केस होता है वो सेंटेंस केस में है, वो चेंज केस। सेंटेंस केस में देखिएगा आपको पहला लेटर छोटा दिखा रहा है सेंटेंस, बाद के सभी छोटे हैं, क्योंकि इसमें पहला लेटर छोटा हो जाएगा बाद के सभी बड़े हो जाएंगे। लोअर केस में अगर देख लो तो सभी छोटे हैं, अपर केस में सभी क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। देखिएगा अगर मान लो मैं कोई नाम लिखता हूँ, तो मैंने लिख दिया राम कुमार, तो आप बताइए कौन सा केस होना चाहिए, लगाइए थोड़ा दिमाग। इसमें जो केस होना चाहिए वो टाइटल केस, क्यों, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट का सर का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, तो इसके लिए टाइटल केस। देखिएगा जब बाय स्पेस हो गया ना, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हम टाइटल केस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने थीम्स बैकग्राउंड जो भी आपको इसके अंदर यहाँ पे कलर्स वगैरह लेना तो आप वो यहाँ से कलर ले सकते हैं। देखिएगा कलर आ चुका है, अगर हमें कलर नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से कर सकते हैं आप नो फिल, कोई कलर नहीं आएगा। तो दूसरा कमांड अब जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो पढ़ेंगे इसके अंदर यहाँ पे मोर कलर, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ड्राइंग में और कलर बना सकते हैं। फिल इफेक्ट्स यहाँ पे मैंने इसके अंदर टू कलर ले लिया, यहाँ पे ये भी मैं पहले पढ़ाया था आपको वर्ड आर्ट में, आपको याद होगा टू कलर में मैंने ये ले लिया। तो देखिएगा टू कलर्स में इस तरह से कलर बना सकते हैं। और भी यहाँ पे इसके अंदर डिजाइन आप इसको खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये सारे डिजाइन से जो भी आपको अच्छा लगे वो डिजाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्सचर लीजिएगा, पैटर्न ले लीजिएगा, आप जैसा पिक्चर भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे इसके अंदर। मैं जो भी पिक्चर लेने के लिए आप यहाँ से पिक्चर में सेलेक्ट पिक्चर, तो आप यहाँ से इसके अंदर जो आपको पिक्चर लगे, जैसे मैंने इसके अंदर यहाँ पे कौन सी पिक्चर ले लिया, ये पिक्चर ले लेता हूँ मैं इंसर्ट, और यहाँ से ओके कर दीजिएगा, देखिएगा वो पिक्चर आ चुका है। अगर मुझे इस पिक्चर को हटाना है तो इसको पिक्चर्स को हटाने के लिए फॉर्मेट मेन्यू में जाके आप इसको यहाँ से क्या कर देंगे, नो फिल, तो ये पिक्चर हट जाएगा। मैं इसके अंदर वाटर मार्क भी ऐड कर सकता हूँ, देखा होगा आपने आपकी मार्कशीट होती है उसमें कुछ कंटेंट भी लिखा होता है। जैसे मैं इसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट वाटर मार्क करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज कर लिया। ये रहा किस कलर में मैंने साइज ले लिया, यहाँ पे कलर मैंने इसके अंदर यहाँ पे ले लिया रेड। आप इसको अप्लाई और ओके कर सकते हैं, देखिएगा ये इस तरह से वाटर मार्क, अगर आप प्रिंट प्रीव्यू निकालेंगे तो इसका इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा निकल जाएगा। होता है ना इस तरह से कुछ कंटेंट होता है लिखा होता है। इसके बाद हमें पिक्चर भी लगा सकता हूँ वाटर मार्क में, तो वाटर मार्क में पिक्चर लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ही जाइए, यहाँ पे पिक्चर, यहाँ से आप सेलेक्ट पिक्चर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पिक्चर लगा दिया, तो यहाँ से इंसर्ट और वॉशआउट लगाना है, तो यानी कि इस तरह की क्लियर नहीं दिखाई देगी पिक्चर, देखिएगा क्लियर नहीं आ रहा ना। वॉशआउट लगाना है तो इसमें थोड़ा सा क्लियर पिक्चर आ जाएगा, सॉरी वॉशआउट में दिखाई देगा क्लियर, मुझे कन्फ्यूजन हो गया। देखिएगा ये मेरा वाटर मार्क पिक्चर आ चुका है, ये इस तरह से हम इसके अंदर कंटेंट के पिक्चर लगा सकते हैं। देखिए आप इसको प्रिंट व्यू में देखना चाहें तो प्रिंट व्यू में भी आ गया, आप इसको देखो प्रिंट निकालना चाहें तो आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसमें और क्या बचा है जी हमारा प्रिंटर वाटर मार्क में, और कुछ बचा है, फिलहाल तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं है, सब हो चुका है। ओके गाइस, ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले, जैसे कि मेरे चैनल में आपको इसको कंटिन्यूस वीडियो मिलता रहे। यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, यदि आपको कोई डाउट कमेंट्स में नहीं क्लियर हो पा रहा तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे कॉल भी करके मुझे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, बाय।